मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। गुरुवार 15 अगस्त एक ऐसा सुखद संयोग लेकर आया जब हम आजादी का जश्न मना रहे हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और इसी दिन सावन की पूर्णिमा, भाई बहन के स्नेहिल संबंधों का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन, इन दोनों सुखद संयोग महापर्वों के अवसर पर न्यूज टुडे दरभंगा परिवार अपनी पूरी टीम की ओर से आपको शुभकामनाएं देता है। उत्तरोत्तर हमारा देश, राज्य और इसके साथ हम सभी आगे की ओर प्रगति करें, ऐसी हमारी कामना है। खबरों की शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक है तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर मिर्जापुर चौक दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी, जी मेडिकल, प्लस टू बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक दरभंगा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंस वियर, बंधन बैंक के सामने बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर दरभंगा। स्वतंत्रता दिवस की चौतरफा रही धूम, नेहरू स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में प्रभारी मंत्री ने किया ध्वजारोहण। इसके साथ ही सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, स्कूल कॉलेजों, चौक चौराहों के साथ घर की छतों तक पर शान से लहराया तिरंगा। ध्वजारोहण के उपरांत अपने संबोधन में मंत्री महेश्वर हजारी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, मांगा सबका सहयोग, कहा राज्य के विकास के लिए सरकार कटिबद्ध, जल संकट एवं बाढ़ के बीच सरकारी राहत का भी पेश किया आंकड़ा। समारोह में सम्मानित किए गए स्वतंत्रता सेनानी अतिथियों ने कहा आपने दिया हमें आजादी की खुली हवा में सांस लेने का अवसर। और खूब सजी भाइयों की कलाई, बहनों ने लिया आजीवन रक्षा का वचन, धूमधाम से मना भाई बहन के स्नेहिल संबंधों का प्रतीक पर्व रक्षा बंधन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। मिथिला की धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। ये पंडित मंडित मिश्र की धरती है और वीरों की धरती, बलिदानियों की धरती, मनीषियों की धरती, ऋषियों की धरती और हमारी सांस्कृतिक विरासत की बहुत बड़ी पूंजी है मिथिला के पास। 15 अगस्त के अवसर पर मैं तमाम मिथिलावासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अनुरोध करता हूं कि हर हालत में समाज में जाति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखें और एक साथ मिलजुल कर रहें ताकि हमारा देश तरक्की करे और हम यह कह सकें कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा, देश के 72वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हम राष्ट्र में शांति, समृद्धि, एकता, अक्षुण्णता एवं निरंतर सर्वांगीण विकास की अविरलता की कामना करते हैं और सभी जनों को स्वतंत्रता दिवस के इस पुनीत अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए स्वच्छ, खुशहाल, शिक्षित तथा विकसित भारत का पूर्ण समर्पण भाव से संकल्प लेने का आह्वान करते हैं। हम हैं आपके ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिवार दरभंगा। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर दरभंगा नगर निगम के सारे पदाधिकारियों, कर्मचारियों, पार्षदगण सबको मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम दरभंगा शहरवासियों एवं देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आइए हम सब मिलजुल कर अच्छे कार्य करें और देश को उन्नति की ओर आगे बढ़ाएं। जीसस एंड मेरी महापरिवार की ओर से मैं डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि आपका दिलो दिमाग शांति से इन पर्वों को मना सके। कि आप तमाम मिथिलावासियों को न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा की तरफ से इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई।
हम उम्मीद करते हैं कि हम तमाम भारतवासी अपने देश को एकता एवं अखंडता बनाए रखें और साथ ही साथ देश को विकसित करने में अपना पूरा योगदान दें। जय हिंद। 73वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से सबसे सर्वप्रथम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एवं डिस्ट्रिक्ट पुलिस के सभी पदाधिकारियों कर्मचारियों को बधाई देता हूँ। मीडिया के बंधु एवं इलेक्ट्रॉनिक बंधुओं को बधाई देता हूँ। मैं अपने पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अपनी तरफ से अपने शुभेच्छुओं NDA परिवार के सभी सदस्यों को भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। ओमेगा स्टडी सेंटर परिवार की तरफ से पूरे देश को और संपूर्ण मिथिलांचल को ओमेगा परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामना। हम लोग नित्य अपने कर्म से, अपने वचन से दृढ़ प्रतिज्ञ रहें कि हमारा सारा कोशिश सकारात्मकता की ओर जाए, जिससे कि देश की उन्नति हो और हमारा देश पूरे विश्व में श्रेष्ठ मुकाम हासिल करे। ओमेगा परिवार के सभी सदस्य इस प्रण के साथ सदैव अपने काम को पूरे उत्साह से करते रहें। साथ ही इस पूरे शहर के सारे बच्चों को, विशेष रूप से पूरे मिथिलांचल के जो भी बच्चे हैं, उनसे अनुरोध कि वो भी राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से एक बार स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। CM कॉलेज परिवार की ओर से तमाम मिथिलावासियों को, खास करके महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षेत्तर कर्मी छात्र छात्राओं अभिभावकों को इस पुनीत अवसर पर अर्थात स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम मुबारकबाद पेश करते हैं और यह अपील भी करते हैं कि हमारे शहीदों ने जो कुर्बानी देकर हमें आज़ादी दी है, हम उसको अक्षुण रखें और उसकी रक्षा के लिए न सिर्फ कर्तव्य करें बल्कि दूसरों के जो अधिकार हैं उसकी रक्षा भी करें। हमारे अधिकार किसी की आज़ादी न छीनने, ये हमेशा याद रखें। पुनः एक बार समस्त देशवासियों को CM कॉलेज समस्त परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं अपने तरफ से, अपने कॉलेज परिवार की तरफ से तमाम दरभंगा वासियों को, मिथिला वासियों को और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में तमाम पदाधिकारियों को, इसमें पढ़ने वाले तमाम छात्र छात्राओं को, अपने कॉलेज के तमाम छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को अपने तरफ से इस मुबारक जश्न आज़ादी का दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हम इस शहरवासी को इस न्यूज़ टुडे के माध्यम से शुभकामना देते हैं। इसी तरह शांतिपूर्वक हम लोग 15 अगस्त, 26 जनवरी और बहुत सारा त्यौहार सब मनाते रहें शांतिपूर्ण वातावरण में, और हमारा शहर, हमारे शहरवासी सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस 15 अगस्त के त्यौहार को मनावें। इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पर हम अपने प्यारे विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं मिथिलांचल में, दरभंगा में रहने वाले सभी नागरिकों, पदाधिकारियों, हर वर्ग के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ यह कामना करता हूं कि आपका जीवन सुखमय बना रहे, आपस में सौहार्द बना रहे, किसी तरह की कोई कटुता पैदा नहीं हो। अगर हमारा परिवार बढ़ेगा तो समाज बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। और मैं इस अवसर पर अपने अभिभावकों को इतना ही कहना चाहूँगा कि समय बहुत तेज़ी से बदलता जा रहा है, हाईटेक युग होते जा रहा है। आप अपने बच्चे पर, लड़के पर, लड़कियों पर, पढ़ाई में उसकी भर दिन की कारगुजारी पर ध्यान अवश्य रखें। मैं आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक बार कहा था कि आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। मतलब आप अपने देश से ये न पूछें कि राष्ट्र आपके लिए क्या कर सकता है, आप ये सोचें कि आप राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं आप जितने भी बच्चे हैं, छोटे छोटे, या जितने भी स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पर उन सब के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं ये पहले सोचें,
और इसी रास्ते पर बढ़ें और हमें मंजिल जरूर मिलेगी। इसी संदेश के साथ सभी दरभंगा वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर सुनीति सिन्हा नर्सिंग होम पलपट्टी दरभंगा, हमारे लड़के सारंग सिन्हा, इस नर्सिंग होम के सारे चिकित्सकगण, कर्मचारीगण और अन्य अतिथियों की ओर से भी मैं मिथिलांचल वासियों विशेषकर दरभंगा वासियों को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सबको बधाई देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि जो हमारी सरकार के द्वारा विकास के लिए प्रयास किया जा रहा है, जैसे स्वच्छता अभियान, जगह जगह से कूड़ा हटा देना, जो नालियां जाम हो जाती हैं वहां से पॉलीथेन हटा देना, बालिकाओं की सुरक्षा, पढ़ाई और उनको आगे बढ़ाने का निरंतर जो प्रयास किया जा रहा है, उस पर हम सबों का योगदान होना बहुत ज़रूरी है और तभी हमारा देश तरक्की कर सकेगा। हम आइए हम सब इस तिरंगा के नीचे फिर से हम वादा करें कि इस देश को विकसित करें और इसकी अखंडता को बरकरार करने के लिए हमारी जो भी योगदान है, जो भी हमारा प्रयास हो, उसमें हम लगें और एकता हम बनाए रखें, देश की प्रगति को हम बढ़ाते रहें। जो भी हमारी इस देश में विकास के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं उसे हम सहयोग दें, सरकार को भी समय समय पर हम चेतावनी भी देते रहें ताकि सरकार हमेशा जागृत रहे और अपना काम निरंतर करते रहें और अपनी जो भी उनकी सुविधाएं हैं नीचे तक पहुंचता रहे। तो जब तक सारा हमारा जनसंख्या एक प्रहरी की तरह काम नहीं करेगा तो अकेला एक आदमी प्रयास नहीं कर सकता है, योगदान आगे नहीं विकास नहीं कर सकता है। भारतीय वाले सेंटर की तरफ से आप सभी मिथिलांचल वासियों, मीडिया कर्मियों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रशासनिक डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारी, बंधु, पूरे के पूरे मिथिलांचल के जितने भी महानुभाव, गणमान व्यक्ति, बुद्धिजीवी, सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग स्वतंत्र हो चुके हैं बहुत दिन पहले और अभी भी स्वतंत्र है, यही स्वतंत्रता हम लोग को कामयाबी लेके आते हैं, आगे बढ़ने के लिए हम लोग को आज़ादी देते हैं, यही मेन आज़ादी है। तो इसीलिए हम सभी को चाहिए कि स्वतंत्रता दिवस बहुत ही मन से, जैसे कि हम लोग कोई पर्व मनाते हैं, होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, उसी के भांति हम सब एक देश का पर्व है, वो पर्व है स्वतंत्रता दिवस, उस स्वतंत्रता दिवस को मनाएं। हम भी मना रहे हैं, हम अनुरोध करेंगे आप लोग भी मनावें, ये हमारे देश का पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है, उस राष्ट्रीय पर्व जितना हर्षोल्लास से मनाएंगे उतना ही हमारे देश, हमारे हमारे मन में, हमारे अपने देश के बारे में जज्बा बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगा, उत्साह आएगा और इस मिट्टी, जिस मिट्टी से हम लोग पैदा हुए हैं, जिस मिट्टी पर आते हैं, जिस मिट्टी का अनाज खाते हैं, उस मिट्टी का गौरव गाथा गान गुणगान हम लोग को करना चाहिए। ये हम लोग का पहला नैतिक कर्तव्य है, धर्म है, कर्म है, सब कुछ है। मैं डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब वाला, मैनेजिंग डायरेक्टर सिटी हॉस्पिटल की तरफ से सभी भारतवासियों को 73rd स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। ये दिन जो है हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि हमको इसी दिन आज़ादी मिली थी। इस दिन हमको जो शहीद हमारे लिए कुर्बान हुए थे, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया था, उन सभी को हमारे तरफ से मैं सलाम करता हूँ और नमन करता हूँ। मिलत कॉलेज परिवार की ओर से 73वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हम लोग उन सूरवीरों को याद करते हैं जिनने अपने प्राण को न्योछावर करके देश को आज़ादी दिलाई और हम लोग उनके बताए रास्ते पर चल करके अपने जीवन को एक सार्थकता प्रदान करें, यही हमारी शुभकामना है। पायनियर इंग्लिश क्लासेस और प्रीमियर इंस्टीट्यूट मुगलपुरा दरभंगा की ओर से आप सभी मिथिलावासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय डॉक्टर जी के झा। नमस्कार, मैं डॉक्टर एस के सिंह वाणिज्य विभाग से आप समस्त मिथिलावासियों को स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामना प्रदान करता हूँ। आज अत्यंत खुशी के साथ
कहना पड़ रहा है कि हम लोग अपने भारत में स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, जिसे कई पर्वों की अपेक्षा, जितने भी पर्व होते हैं जो धार्मिक पर्व होते हैं उनसे बढ़कर हम लोग ये पर्व मनाते हैं। और मेरी ये कामना है कि हम सब मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाने में एक सही भूमिका निभाएं। नमस्कार, मैं डीके धर्मात्मा, फिजिक्स पढ़ाता हूँ मैं। सबसे पहले मैं पूरे मिथिलांचल वासियों को 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देना चाहता हूँ। काफ़ी खुशी का दिन, काफ़ी आज़ादी, मतलब हमें आज़ादी मिली थी। तो ये बात तो है कि फिजिकली हम लोग आज़ाद हो चुके थे बहुत पहले, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम लोग मानसिकता के गुलाम हैं। हम ऐसा लगता है जैसे पूरी तरह से हम आज़ाद नहीं हो पाए हैं, जो हमारा कर्तव्य होना चाहिए हमारे देश के प्रति, हमारे क्षेत्र के प्रति, वहाँ कहीं ना कहीं मानसिक आज़ादी नहीं है। 73वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ पावन अवसर पर समस्त मिथिलावासियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और सभी मिथिलावासियों से आग्रह करते हैं कि ये 15 अगस्त बहुत कुर्बानी के बाद हम लोग को ये आज़ादी मिली और इस आज़ादी को हम लोग जैसे घर में एक पर्व की तरह मनाते हैं, इसी तरह इस आज़ादी को अपने बाल बच्चों के साथ एक पर्व की तरह मनाएंगे और खुशी जाहिर करेंगे। और ख़ासकर ये आज़ादी जो 70 साल के बाद आया, जो 370 और 35 एक हटने के बाद अब ये लग रहा है देशवासियों की ये देश में कश्मीर में भी हमारा तिरंगा फहराया जाएगा, इसलिए हम आशा करते हैं कि सभी आदमी को इस बार 15 अगस्त धूमधाम से मनाना चाहिए, एक त्यौहार के रूप में मनाना चाहिए। साथ ही वो दिन रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन में ये भाई बहन का त्यौहार है, इसलिए डबल खुशी है। इसलिए सभी मिथिलावासी उससे आग्रह करते कि वह बहुत उत्साह के साथ इस स्वतंत्रता दिवस को मनाए। सारे देशवासियों को और खास करके दरभंगा नगर के लोगों को मेरी तरफ से और बोन ज्वाइंट एंड ट्रॉमा क्लिनिक के परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। मेरी यही आशा है कि स्वतंत्रता दिवस पे हम लोग सब मिल के रहें। हम आज़ादी की, हमें जो आज़ादी मिली है काफ़ी जद्दोजहद और काफ़ी मुसीबतों के बाद मिली है, इसकी कदर को हम समझेंगे, आपसी भाईचारा बढ़ाएंगे और मिल के रहेंगे, एक नया भारत बनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के महापर्व पर तमाम दरभंगा शहरवासियों को, चैम्बर के सदस्यों को, पदाधिकारियों को मेरी ओर से शुभकामना, ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। साथ ही 15 अगस्त के दिन ये संकल्प लेता हूँ और सभी दरभंगा वासियों से निवेदन करता हूँ कि दरभंगा में स्वच्छता के लिए अपने अपने परिवेश में स्वच्छ भारत का जो अभियान चला है उसको सार्थक करने के सभी दरभंगा वासियों से निवेदन है कि उसे उसमें अपनी सहभागिता करें। और समाचार अब विस्तार के साथ। स्वतंत्रता दिवस की चौतरफा रही धूम, नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुआ मुख्य समारोह जहां प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी ने ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, चौक चौराहों, स्कूल कॉलेजों के साथ घर की छतों तक पर शान से लहराया तिरंगा। यथासंभव आपकी न्यूज टुडे दरभंगा की टीम मौजूद थी विभिन्न जगहों पर, संकलित की है तस्वीरें हमने आपके लिए। स्वतंत्रता दिवस की चौतरफा रही धूम, मुख्य समारोह नेहरू स्टेडियम पोलो मैदान में आयोजित हुआ जहां प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी ने ध्वजारोहण किया। नेहरू स्टेडियम के साथ साथ सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, पुलिस प्रशासन के कार्यालयों समेत स्कूल कॉलेजों और घर की छतों तक पर शान से लहराया तिरंगा। विभिन्न जगहों पर मौजूद हमारी कैमरा टीम ने संकलित की है तस्वीरें स्वतंत्रता दिवस समारोह की, बारी बारी से ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग
बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला भाई, रंग दे बसंती चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला, मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 ओ आज रंग दे माय रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, मेरा रंग दे बसंती चोला, वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सूली के उस पार खड़ी है माँ ने हमें बुलाया है, आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला, मेरा रंग दे मेरा।
जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए, ए मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, ए मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदान, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के दस दस को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो स्वतंत्र दिवस के अवसर पर सभी जिला वासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहूँगा।
और आज का दिन फ्रीडम फाइटर्स जो इस देश के लिए अपने कुर्बानी दिए हैं, अपने जान दिए हैं, उन लोगों को याद करने का दिन है। और हम लोग अभी आज का दिन में संकल्प लेते हैं सभी पदाधिकारी इनके साथ कि इस जिला का विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत रहेंगे और मजबूत भारत का निर्माण में भी हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। 15 अगस्त के अवसर पर दरभंगा जिला वासियों के लिए और राष्ट्र के सभी वासियों के लिए स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएँ। और जिला प्रशासन की ओर से और मंडल प्रशासन की ओर से हम चाहेंगे कि पूरे ज़िले में प्रेम और शांति का सौहार्द बना रहे और सभी लोग प्रेम भाव से यहाँ सुख शांति का जीवन जिए। और हम लोगों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस के। आज 15 अगस्त का पर्व है और रक्षाबंधन का भी पर्व है। इस बहुत ही यूनिक मौके पे सभी दरभंगा वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये 15 अगस्त का जो हम मनाते हैं, ये जिन भी सिद्धांतों के लिए, जिन भी मूल्यों के लिए मनाते हैं, मेरी गुजारिश है कि जितने भी युवा जनरेशन है या जितने भी समस्त दरभंगा वासी हैं, उनको याद रखें और उन पर चलने का हमेशा कोशिश करें। यही ट्रू सेंस में और ट्रू स्पिरिट में इस पर्व को मनाने का हमारा मकसद है। धन्यवाद। 15 अगस्त है, सभी जिला प्रशासन, जिला वासियों, प्रदेश वासियों, सरकारगण, जिला वासियों को मैं 15 अगस्त के शुभकामना देती हूँ। और आज भी रक्षाबंधन भी है, रक्षाबंधन है, भाई बहन के बहुत भारी गौरव है। सभी भाई बहन के मैं बात देती हूँ। और ये हर साल की तरह हम लोग के 15 अगस्त अच्छा सुनाए, अच्छा सुख आगे आगे क्या बताता हूँ कि हम लोग के साथ सभी आदमी अच्छे से झंडा उत्तोलन करें और सभी आदमी के धन्यवाद देते हैं। 15 अगस्त के सभी आदमी धन्यवाद। सुजलां सुफलां मलयज शीतलं शस्य श्यामलां मातरं वन्दे। पूरा देश
सामान्य रूप से देखने से पता इसलिए नहीं चलता है कि जो सफलता मिल जाती है उससे हम अभ्यस्त हो जाते हैं और होना चाहिए, क्योंकि यदि उसी से संतुष्ट होंगे विकास रुक जाएगा। आज का भारत इस स्थिति में है कि वह न केवल विकासशील अपितु आने वाले कुछ ही दिनों में विकसित देश की श्रेणियों में अपना स्थान जिस तरह स्वतंत्रता को हम आज समारोह पूर्वक मना रहे हैं, ये ढेर सारे लोगों के बलिदानों का परिणाम है। उसमें कुछ नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, ज़्यादातर नाम जिन्होंने कि देश को स्वतंत्र कराने में किया था उनका नाम दर्ज नहीं है। आज के अवसर पर हम सभी लोग विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं उन बलिदानियों का, जो कि इतिहास के पन्नों में हो चाहे न हो। उन महान लोगों ने देश की स्वतंत्रता राजनीतिक सत्ता के लिए हासिल नहीं की थी, बल्कि उनका उद्देश्य था कि स्वतंत्र भारत में देश का प्रत्येक नागरिक का जीवन उच्च होगा और साथ ही साथ समाज में गुणात्मक परिवार होगा, समाज की बुराइयां दूर होगी और एक ऐसे स्वप्न का उन्होंने, ऐसे भारत का सपना उन्होंने देखा। आप भी इस बात से सहमत होंगे कि लोगों के जीवन को अस्तर उठाने के लिए और समाज में गुणात्मक परिवार लाने के लिए शिक्षा से बेहतर कोई तरीका हो नहीं सकता है। तो अगर जो हमारे विश्वविद्यालय हैं और शैक्षणिक संस्थान हैं जो देश के कोने कोने में फैले हुए हैं, वो अगर अपना कर्तव्य ठीक से निभाएं, उन बलिदानियों का सपना कि प्रत्येक वासी का जीवन अस्तर ऊंचा होगा और समाज में गुणात्मक परिवार होगा, उन सपनों को पूरा करने में हम सफल होंगे। आज का अवसर है ये संकल्प लेने का कि हम उस दिशा में ठोस कदम बढ़ाएंगे, यहाँ के छात्र के रूप में, यहाँ के शिक्षक के रूप में, यहाँ के अधिकारी के रूप में, यहाँ के गैर शिक्षक कर्मचारी के रूप में और छात्र छात्राओं के माता पिताओं के रूप में। Wish you all a very happy Independence Day. Today, we all have assembled here to celebrate our Independence Day, a day when we rejoice our independence, a day when all our great leaders sacrificed their entire life for the betterment of our country. We have gathered here to celebrate a day of prestige, a day when we got the privilege of celebrating ourselves, of making ourselves, of understanding ourselves as citizens of a free nation. Freedom does not mean freedom of speech or freedom of actions. It also brings a lot of responsibilities, and we are bound to fill the responsibilities since everyone present here is a citizen of India. Though it is the unity and diversity that emphasizes India, but never forget that we are all Indians. Teachers give the bedrock of education, and this college provides the best, tries to provide the best to the student so that they can emerge as wonderful. We as Indians should realize the importance of Independence Day and should be filled with utmost pride to have finally back our freedom. मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। मेरे वतन के लोगों,
उन्हें भी कर लो कुछ याद, उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं के जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं के जरा याद करो। When we got the opportunity to be called as a citizens of a free nation. Freedom doesn't only mean crossing the boundaries of language and behavior. Freedom brings a lot of responsibilities along. A responsibility towards your country, towards your people, towards your society, and towards your education. कष्टप्रद विपदाएं भी देनी है आज विकास मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। जल जल जितरंगा सब शुभ नामे जागे
जो शहीद हुए हैं। हमारी आजादी का एक मिसाल है कि हमारा देश उसमें सक्षम है। हम विज्ञान के रूप में मजबूत हुए हैं, हम तकनीक के रूप में मजबूत हुए हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत हुए हैं, हम अपने अखंडता के क्षेत्र में मजबूत होते जा रहे हैं। मैं इंजीनियर हरिंदर हंसा, डायरेक्टर सेंट थॉमस इंग्लिश स्कूल शिवाजी नगर दरभंगा, अपने तमाम देशवासियों, बिहारवासियों, मीडिया कर्मियों, प्रशासक कर्मियों एवं अपने स्कूल के अभिभावक एवं बच्चे को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। संयोग से इस साल स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन एक दिन में पड़ गया है, इसीलिए इसके साथ स्वतंत्रता दिवस के साथ रक्षाबंधन का भी मैं सभी आदमियों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। इस साल हम लोग का स्वतंत्रता दिवस एक विशेष रूप और विशेष जोश से मनाया जाएगा। पंद्रह अगस्त स्वतंत्रता दिवस पे मिथिला वासियों को रोटरी क्लब दरभंगा की ओर से हार्दिक शुभकामना। रोटरी क्लब दरभंगा हमेशा सामाजिक कामों में अग्रसर रहा है और आगे भी ये काम करता रहेगा। समस्त मिथिलांचल वासियों को दरभंगा वाटिका परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई शुभकामना। ये स्वतंत्रता दिवस का साल हम लोगों के लिए नई खुशियाँ, नया पैगाम लेके आया है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस साल की तरह आने वाले हर साल हम लोगों के लिए नई नई खुशियाँ, नई नई सौगात लेके आए। जय हिंद, जय भारत। डॉन बॉस्को स्कूल परिवार की ओर से दरभंगा के तमाम लोगों को बकरीद की हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथ ही साथ इंडिपेंडेंस डे है, जो कि हमारा नेशनल फेस्टिवल है, और साथ ही साथ रक्षाबंधन भी है, तो बिलखसूस दरभंगा के तमाम आवाम को इसकी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। और मैं अपने स्कूल के तमाम टीचर्स को, बच्चों को और गार्जियन को भी बधाई देता हूँ, दरभंगा एडमिनिस्ट्रेशन को भी, और साथ ही साथ हमारे रोटरी क्लब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनेस्को क्लब, लायंस क्लब और नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी और हमारे पत्रकार बंधुओं को भी हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। और साथ ही साथ ये हमारा नेशनल पर्व और हमारा बकरीद और हमारा जो राखी है, इसमें हम खास तौर से एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें और एक दूसरे का ख्याल करें। जय हिंद, जय भारत। दरभंगा सेंट्रल स्कूल विद्यालय परिवार की तरफ से तमाम मिथिलावासी एवं छात्र छात्राओं को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं रक्षाबंधन के इस महापर्व पर भाई बहनों का जो सदैव प्यार आता है वह सुमंगल हो, सद्भावपूर्ण हो और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो, इसकी हम कामना करते हैं। साथ ही साथ इस रक्षाबंधन के महान पर्व पर जो राष्ट्रहित में हमारे नौजवान हमारे शहीद हुए हैं और जो जवान हमारे रक्षा कर रहे हैं, उन सारे शहीदों और जो हमारे सिपाही हैं उनको ढेर सारी बधाई। और आशा करते हैं हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति का प्रेम बढ़े, सद्भावना बढ़े और हमारी संस्कृति इसी तरह विरासत के रूप में हम सदैव हासिल करें। देश के 73वां स्वतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त मिथिलावासियों को, हमारे सभी गार्जियंस को, हमारे सभी बच्चे और सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, सभी मीडियागण, सभी को दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा की ओर से हार्दिक हार्दिक बधाई। मुझे खुशी है कि आज देश जो 73वां स्वतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, इस अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को
अपनी ओर से ये संदेश देना चाहूँगा कि हम सब मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम देते हुए देश को कदम से कदम मिला करके देश को आगे बढ़ाने का काम करें। 15 अगस्त के इस राष्ट्रीय पर्व पर हम सभी देशवासियों को रूपम साड़ी एवं दीपक टेक्सटाइल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और देश की एकता एवं अखंडता के लिए एकजुट होकर के काम करें। मोदी जी हमारे देश के लिए एक अच्छे कार्य कर रहे हैं। कश्मीर के लिए उन्होंने जो अभी 370 हटाया है वो देशवासियों के हित के लिए है। शुभ उपलक्ष्य में बिहार सहित पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना, खास करके दरभंगा जिला के बहादुरपुर विधानसभा के सभी सम्मानित साथियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना और आप सबको बहुत सारी बधाई। 73वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल परिवार की ओर से पूरे नगरवासी, यहाँ के स्कूली बच्चों, शिक्षक शिक्षिकाएं, मीडिया के बंधुओं, पदाधिकारीगण, सभी को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामना बधाई। उन जज्बाजों को, उन आत्माओं को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे करके भारत की आज़ादी करवाए और आज हम स्वतंत्र होकर खुशहाल जिंदगी सब जी रहे हैं। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान परिवार की ओर से सभी नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन 15 अगस्त को हमारे अपने देश को वर्षों के गुलामी के बाद आज़ादी मिली थी और इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए भारत माता के लाखों सपूत खुशी खुशी अपने प्राणों की आहुति दे दिए थे। इस अवसर पर मैं उन सभी शहीदों को एवं स्वतंत्रता सेनानियों को मैं नमन करती हूँ, मैं अपना श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। देश के युवाओं से मैं कहना चाहूँगी कि राष्ट्र की सुरक्षा अब उनकी जिम्मेदारी है, राष्ट्र को उन्नति के रास्ते पर ले चलना अब उनकी जिम्मेदारी है। 15 अगस्त और रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मैं समस्त दरभंगा वासियों को शुभकामना देता हूँ और आशा करता हूँ कि इस पर्व को हर्षोल्लास और शांतिपूर्वक मनाएंगे। और मैं इस अवसर पर ये बताना चाहूँगा कि आयुष्मान भारत जो हमारे यहाँ पर व्यवस्था हो गया है और इस चैनल के माध्यम से हम सभी दरभंगा वासियों को बताना चाहेंगे कि जितने गरीब और पिछड़े लोग हैं उन लोगों को प्रधानमंत्री के ऑफिस से पत्र आया होगा और अगर नहीं तो उनका जो राशन कार्ड होगा, जो अभी ग्रीन कार्ड वाला जो है, अगर उनके पास नहीं है तो हमारे अस्पताल में आ सकते हैं। 5 लाख का प्रति परिवार प्रति वर्ष इस कार्ड से इलाज का सुविधा है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर एवं भाई बहन का पवित्र पर्व रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मैं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हायर हाट के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों, अधिकारी, सरकारी कर्मी, दिव्यांग, किसान मजदूर और सम्मानित जनताओं को दोनों पर्व के शुभ अवसर पर कोटि कोटि शुभकामना देता हूँ। जिला के जितने सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं सबों को मैं दोनों पर्व के शुभ अवसर पर शुभकामना देता हूँ। इस आशा उम्मीद के साथ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अनुकूल राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर हमारा पंचायत शांतिपुर मोहन में आपसे तालमेल से स्वच्छ वातावरण में जात पात धर्म से ऊपर उठकर दोनों राष्ट्रीय पर्व को मनाने की कोशिश करेंगे। मैं अपने पंचायत
के ओर से पूरे दरभंगा वासियों को 15 अगस्त जो बहुत शानदार से पूरे हिंदुस्तान के अंदर मनाया जा रहा है, साथ ही रक्षाबंधन भी है, मैं दोनों को अपने हार्दिक दिल से शुभकामना दे रहे हैं कि अच्छे से 15 अगस्त और रक्षाबंधन पूरे दरभंगा और पूरे दुनिया के लोग मनावें। भारत एकता मिशन जिला अध्यक्ष दरभंगा, मैं पूरे देशवासियों को और दरभंगा वासियों को 15 अगस्त की शुभकामना देता हूं। साथ ही मैं उस देश के जवानों को भी शुभकामना देता हूं जो सीमा पर रह के सुरक्षा कर रहे हैं, और बहुत खुशी की बात है कि 15 अगस्त को 15 अगस्त और रक्षाबंधन दोनों साथ साथ हैं, और हमारी देश की बहना जो सीमा पर सुरक्षा कर रहे हैं, नौजवान साथी जवान साथी उनको राखी बांधने का भी काम करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार अपना आप सबका स्वागत, बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस। स्वतंत्रता दिवस की चौतरफा रही धूम, नेहरू स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में प्रभारी मंत्री ने किया ध्वजारोहण। इसके साथ ही सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, स्कूल कॉलेजों, चौक चौराहों के साथ घर की छतों तक पर शान से लहराया तिरंगा। ध्वजारोहण के उपरांत अपने संबोधन में मंत्री महेश्वर हजारी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, मांगा सबका सहयोग, कहा राज्य के विकास के लिए सरकार कटिबद्ध, जल संकट एवं बाढ़ के बीच सरकारी राहत का भी पेश किया आंकड़ा। समारोह में सम्मानित किए गए स्वतंत्रता सेनानी अतिथियों ने कहा आपने दिया हमें आजादी की खुली हवा में सांस लेने का अवसर। और खूब सजी भाइयों की कलाई, बहनों ने लिया आजीवन रक्षा का वचन, धूमधाम से मना भाई बहन के स्नेहिल संबंधों का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन। ध्वजारोहण के उपरांत अपने संबोधन में मंत्री महेश्वर हजारी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, मांगा सबका सहयोग, कहा विकास के लिए सरकार कटिबद्ध है, जल संकट एवं बाढ़ के बीच सरकारी राहत का भी आंकड़ा पेश किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि जल संकट और बाढ़ के दौरान जिला प्रशासन ने बेहतर काम किया। नेहरू स्टेडियम में ध्वजारोहण के उपरांत अपने संबोधन में प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी ने स्वतंत्रता सेनानियों को, शहीदों को नमन किया, और उन्होंने कहा कि वे स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन करते हुए। उन्होंने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समग्र इतिहास में मिथिला वासियों का अतुलनीय योगदान रहा है। भारत माता की बलि वेदी पर हंसते हंसते अपने प्राणों का न्योछावर करने वाले सभी वीर सपूतों का वे दिल से नमन करते हैं, अपने संबोधन में मंत्री ने कहा। इसके बाद उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, प्राथमिकताओं को भी खूब गिनाया और कहा कि सरकार मूल संकल्प है इसका राज्य का न्याय के साथ सर्वांगीण विकास, और विकास की इस यात्रा के क्रम में जो संकल्प लिए गए हैं उसकी प्राप्ति के लिए सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस वर्ष दरभंगा जिले के लोगों ने दो दो प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया और संकट की घड़ी में प्रशासन द्वारा उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने की कोशिश की गई। गर्मी के महीने में दरभंगा नगर सहित कई अंचलों में भूगर्भ जल स्तर के अत्यधिक नीचे चले जाने के चलते पानी के गंभीर संकट की उन्होंने चर्चा की, और उन्होंने बाढ़ की चर्चा की, बाढ़ राहत में जो कार्य किए गए बचाव के लिए, आपदा में फंसे लोगों के बीच राहत और बचाव के कार्य को भी उन्होंने गिनाया और सरकारी राहत की भी खूब चर्चा की। जिला प्रशासन और सरकार द्वारा बाढ़ राहत के वितरण का भी बखूबी बखान किया उन्होंने, और मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है, बाढ़ पीड़ितों को अंतिम कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक बाढ़ राहत और सहायता जो सरकारी है वह पहुंचाने के लिए। साथ ही आप सभी को देश के प्यार में स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। हम सब अवगत है कि हमारे देश के असंख्य महापुरुषों
क्रांतिकारियों के त्याग एवं बलिदान के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र देश के रूप में उभरा, उभर कर विश्व मानचित्र पर आया। आज स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय झंडा उत्तोलन करते हुए मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। हमें यह कहते हुए बात हर्ष हो रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन समग्र इतिहास में मिथिलावासियों का अतुलनीय योगदान रहा है। भारत माता के गर्भगृह पर हंसते हंसते अपने प्राणों को निछावर करने वाले सभी वीर सपूतों को हम दिल से नमन करते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सरकार की उपलब्धियों और प्राथमिकताओं को बताने में उचित समझता हूँ। सरकार का संकल्प राज्य का न्याय के साथ सर्वांगीण विकास है और विकास की इस यात्रा के क्रम में जो संकल्प लिए हैं उसकी प्राप्ति के लिए सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध है। लेकिन इस वर्ष दरभंगा जिले के लोगों ने जिस बहादुरी के साथ दूर प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया एवं संकट की घड़ी में प्रशासन द्वारा उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने की कोशिश की गई, इसका यहाँ उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है। इस वर्ष गर्मी के महीने में दरभंगा नगर सहित कई अंचलों में भूगर्भ जलस्तर के अत्यधिक नीचे चले जाने के चलते पानी का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया था। जल संकट वाले क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग करके पानी की आपूर्ति की गई। नल जल योजना स्टेन पोस्ट लगा करके तत्कालिक तौर पर लोगों को पानी उपलब्ध कराया गया। वहीं बोरिंग नहीं था, वहां टैंकर के माध्यम से पानी की आपूर्ति कराई गई। पुराने खराब चापाकलों में सिलेंडर लगाकर उसका कन्वर्जन करा दिया गया, जिससे लोगों को पानी मिलना सुगम हो गया। 14 जुलाई को फ्लैश आने से जिला के कई अंचल पूरी तरह बाढ़ से प्रभावित हो गया। जिला प्रशासन द्वारा इसे चुनौती के रूप में लेकर बाढ़ आपदा में फंसे लोगों के बीच राहत एवं बचाव का जोर शोर से चलाया गया। बाढ़ में फंसे लोगों को एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के माध्यम से रेस्क्यू करा करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। प्रभावित गांव टोले में फंसे लोगों को सामुदायिक रसोई चला करके खाना खिलाने का कार्य सतत रूप से चलाया गया, जो कि कुछ स्थानों पर अभी भी जारी है। सामुदायिक रसोई के माध्यम से लगभग 20 लाख से अधिक लोगों को खाना खिलाया गया। साथ ही बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच 28,605 सूखा राशन पैकेट 41,706 पोलोथीन सीट्स का वितरण किया गया। इसके साथ ही बाढ़ से विस्थापित मवेशियों के लिए पशुपालकों को भी 784 क्विंटल सूखा चारा का वितरण कराया गया। इसके अतिरिक्त रिकॉर्ड समय में बाढ़ पीड़ित परिवारों को नगदभुत सहायता राशि उनके बैंक खाते में भेज दी गई। अब तक 3,84,000 लाखों परिवार के बैंक खाते में 6,000 रुपया भेजा जा चुका है और छूटे हुए लाखों परिवारों को नगर सहायता राशि पहुंचाने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर मैं बताना उचित समझता हूँ कि नगर सहायता राशि का वितरण राज्य में सबसे पहले इसी जिले में हुआ है। विगत वर्षों में राज्य सरकार द्वारा जनहित में कई कदम उठाए गए, जिसमें सरकार के साथ निश्चय के कार्यालय बिहार उत्पाद संशोधन अधिनियम 1916 एवं बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 1915 का प्रवर्तन आदि महत्वपूर्ण है। बिहार उत्पाद अधिनियम के तहत 5 अप्रैल 1916 से राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई और का राज्य में अवैध रूप से किसी प्रकार के शराब का निर्माण आयात निर्माण परिवहन बिक्री भंडार एवं सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसमें आम लोगों का सहयोग उपेक्षित है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 1915 के लागू होने के बाद जिला के कुल 4 लोक शिकायत निवारण कार्यालय में कुल 25,197 परिवार पत्र दायर हुए, जिसमें 23,580 परिवार
परिवारों का निवारण किया जा चुका है। शेष 16 से 17 परिवारों की सुनवाई चल रही है। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के प्रभावी होने के उपरांत परिवार वालों के समस्याओं के समाधान तय समय पर होता है। उन्हें जहाँ तहाँ भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। इस अधिनियम के बारे आमजनों को जागरूक करने हेतु जन समाधान रथ के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कराया गया है, जिसके फलस्वरूप परिणाम देखने को मिल रहा है कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम विश्वविद्यालय के तहत इस वर्ष कुल 5,06,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुआ है। इसमें से 4,91,705 मामले का निष्पादन किया गया है। अधिनियम के प्रभावित होने के तिथि से अब तक 59,27,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 59,11,000 आवेदन को निष्पादन हुआ, जो कुल 99% है। राज्य सरकार के 60 निश्चय योजना अंतर्गत आर्थिक हर युवाओं का दौर आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार हर घर बिजली लगातार हर घर जल घर तक गरीब नालियां शौचालय निर्माण घर का सम्मान एवं अवसर बढ़े आगे बढ़े इत्यादि महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से किया जा रहा है। खुले में शौच को एक सामाजिक चुनौती मानते हुए महिला स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत शौचालय निर्माण के कुल लक्ष्य 4,93,170 घरों को 100% आच्छादित किया गया है। छूटे हुए 40,320 परिवारों में महादलित परिवारों को शौचालय से आच्छादित करने का लक्ष्य है। महिला स्वच्छ बिहार अभियान के तहत विभिन्न शौचालयों को जीरो टैगिंग कराकर लाखों परिवारों को 12,000 रुपये प्रोत्साहन राशि का भुगतान कैंप लगा किया जा रहा है। अब तक 2,99,369 शौचालय को जियो टैगिंग पूरा हो गया है और 2,66,276 लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान उनके बैंक खातों के माध्यम से करा दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना SECC विश्वविद्यालय के आधार पर संरक्षित आवास विहीन परिवारों का भौतिक एवं अभिलेखीय सत्यापन के उपरांत योग्य परिवारों को पहचान के आधार पर योग्य परिवारों की सूची पंचायत द्वार तैयार की गई है। द्वितीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए निर्धारित लक्ष्य 16,76,123 के विरुद्ध 9 जुलाई 2019 तक 70,970 परिवारों को आवास निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जो निर्धारित लक्ष्य का 93% है। पर्यावरण संरक्षण में जल संचयन के उद्देश्य से प्राकृतिक जल स्रोतों तथा आहार प्राण को कर तालाब आदि के उलाहीकरण एवं उसके सुदृढ़ीकरण का कार्य मनरेगा योजना के तहत निगरानी किए जा रहे हैं। अब तक 202 पोखर 133 नहर एवं 6 चेक डैम का निर्माण से 3,568,000 लीटर से अधिक जल संचयन क्षमता विकसित किया गया है। वहीं ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों एवं जल स्त्रोतों के किनारे तथा अन्य निजी भूमि पर 1,30,000 पौधारोपण का कार्य योजना बनाई गई है। द्वितीय वर्ष 18-19 में मनरेगा से योजना के अंतर्गत कुल 2,678,00,000 मानव दिवस का सृजन हुआ है, जिसमें 99.4046 परिवारों को रोजगार मिला है। इसमें महिलाओं की भागीदारी 58.50% है। इस योजना के तहत 3,11,70,00,000 रुपये का व्यय हुआ है, जिसमें से 49.78,20,00,000 रुपये की मजदूरी का भुगतान है। मनरेगा की प्रकार से 46,000 पूर्ण हो गई। सरकार के साथ निश्चय हर घर बिजली लगातार योजना के तहत जिला के सभी इच्छुक परिवारों को बिजली की कनेक्शन दे दिया गया है। इसमें 1,40,462 परिवारों को निःशुल्क कनेक्शन शामिल है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अंतर्गत 6 नए पावर सब स्टेशन का निर्माण कार्य
पूर्णतः उसे उद्यान्वित कर दिया गया है और दूसरे 6 पावर सब स्टेशन का निर्माण कार्य प्रगति में है। साथ ही कैंप के माध्यम से 2576 किसानों को कृषि कार्य हेतु निःशुल्क बिजली का कनेक्शन दिया गया है। वही उपभोक्ताओं को निर्वाह बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पुराने एवं जर्जर तारों को बदलने का कार्य तेजी से होगा है। समारोह में सम्मानित किए गए स्वतंत्रता सेनानी अतिथियों ने कहा, आपने दिया हमें आजादी की खुली हवा में सांस लेने का मौका। हम भूल न जाएं उनको, इसलिए सुने ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी हम याद करें कुर्बानी। जो शहीद हुए उनकी कुर्बानी को तो याद किया ही दरभंगा जिला प्रशासन ने, और उन स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया जो सौभाग्यवश अभी हमारे बीच हैं। नेहरू स्टेडियम में प्रभारी मंत्री एवं अन्य अतिथियों ने स्वतंत्रता सेनानियों को किया सम्मानित। श्री इंद्रनारायण मिश्र दरभंगा, माननीय मंत्री महोदय, देश को स्वतंत्र कराने में अपनी जान की बाजी लगाने वाले उन श्रद्धेय भारत के वीर सपूतों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने हमें आज का अवसर मनाने का स्वतंत्र भारत हमें दिया, एक आजाद भारत हमें दिया। माननीय मंत्री महोदय द्वारा एक एक कर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। हमारी जो परंपरा रही है पाठ चादर वह प्रदान कर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदय। माननीय मंत्री महोदय द्वारा एक एक स्वतंत्रता संग्राम के इन सेनानियों का आज के इस अवसर पर सम्मान किया जा रहा है। और खूब सजी भाइयों की कलाई, बहनों ने लिया आजीवन रक्षा का वचन, धूमधाम से मना भाई बहन के स्नेहिल संबंधों का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन। और चौतरफा धूम रही भाई बहन के स्नेहिल संबंधों के प्रतीक पर्व रक्षा बंधन की, खूब सजी भाइयों की कलाइयां, बहनों ने लिया आजीवन रक्षा का वचन, धूमधाम से संपन्न हुआ भाई बहन के स्नेहिल संबंधों का प्रतीक पर्व रक्षा बंधन। बहनों ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है।
खबरें, विदा लेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। स्वतंत्रता दिवस की चौतरफा रही धूम, नेहरू स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में प्रभारी मंत्री ने किया ध्वजारोहण। इसके साथ ही सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, स्कूल कॉलेजों, चौक चौराहों के साथ घर की छतों तक पर शान से लहराया तिरंगा। ध्वजारोहण के उपरांत अपने संबोधन में मंत्री महेश्वर हजारी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, मांगा सबका सहयोग, कहा राज्य के विकास के लिए सरकार कटिबद्ध, जल संकट एवं बाढ़ के बीच सरकारी राहत का भी पेश किया आंकड़ा। समारोह में सम्मानित किए गए स्वतंत्रता सेनानी अतिथियों ने कहा आपने दिया हमें आजादी की खुली हवा में सांस लेने का अवसर। और खूब सजी भाइयों की कलाई, बहनों ने लिया आजीवन रक्षा का वचन, धूमधाम से मना भाई बहन के स्नेहिल संबंधों का प्रतीक पर्व रक्षा बंधन। यदि अभी तक की खबरें इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत, अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की पुनः शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय।